नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर में और यहां पर शहर शिक्षक फेडरेशन की क्रांति कार्यकारिणी की बैठक हुई है और बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आइए जानते हैं फेडरेशन के मनीष पिछड़ा से कि आज क्या निर्णय लिया गया है, आगे की क्या रणनीति है। आज सभी क्रांति पदाधिकारियों का और जिलाध्यक्षों का एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आने वाला 21 मार्च को विधानसभा सत्र में ही हम लोग एक ध्यानाकर्षण रैली करेंगे जो बूढ़ा तालाब से निकलेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा कि वेतन विसंगति की जो समस्या है उससे शायद शिक्षक लोग बहुत नाराज हैं और सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया है, इस बजट में भी उनको निराशा हाथ लगी है। शायद शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की समस्या है उस पर सरकार के द्वारा कोई निदान नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर प्रदेश के 1,09,000 शायद शिक्षक 21 मार्च को बूढ़ा तालाब में इकट्ठा होंगे और ध्यानाकर्षण रैली के रूप में एक रैली निकालेंगे। पुराने पेंशन के लिए कुछ लोग होली मनाए हैं, आप लोग क्यों नहीं मनाए? पुरानी पेंशन मिला है निश्चित तौर पे, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे मन में अभी भी संशय है, क्योंकि विभाग में हमको 1 जुलाई 2018 से मना है, हम 1998 के सहायक शिक्षक हैं। हमारी पुरानी सेवा का क्या होगा अगर हमारी पुरानी सेवा को पुरानी पेंशन की बहाली में नहीं जोड़ा जाता है, तो उसमें हमारा कोई विशेष लाभ नहीं है। इसलिए जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाती है, जब तक सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर, तब तक मन में अभी तक संशय बना ही है। मतलब होली जिस दिन गाइडलाइन जारी होगी और आपके फेवर में होगी उस दिन मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, अगर हमारे पुरानी सेवा को जोड़ दिया जाता है तो हम निश्चित तौर पर वेतन विसंगति और पुरानी सेवा बिल्कुल। ये थे सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष पिछड़ा। इन्होंने आगामी आंदोलन की एक सांकेतिक आंदोलन की रणनीति बताई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम नाम बताइए। शिव मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष। हम क्या है, लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं वेतन विसंगति को लेकर, चूंकि अभी ओपीएस की घोषणा हुई है, मन में एक उम्मीद जगी है, सरकार ने एक शुरुआत किया है, निश्चित है आने वाले समय में हमारी जो मुख्य मांग होगी उस मांगों पर भी सरकार जो है गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और निश्चित बहुत जल्द जो है हमें उसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप होली क्यों नहीं मना रहे भाई, जैसा अध्यक्ष जी बोल रहे हैं वैसा ही है क्या? बिल्कुल नहीं, होली मनाएंगे। पहले हम तो मुख्यमंत्री जी ने जो 9 तारीख को जो घोषणा किया विधानसभा में, ऐतिहासिक फैसला है और बहुत ही अच्छी फैसला है और मनाने भी चाहिए, लेकिन हमारी एक सूत्री मांग लंबी था जो हम उस दिन टकटकी लगा देख रहे थे कि हमारा उस दिन वेतन दूर हो जाएगा। बजट में इंतजार था, बहुत इंतजार था बजट में। हमारे पूरे जिले में एक पूरे टीम, एक जिले अध्यक्ष लोग सभी उस दिन अपने अपने जिले के ब्लॉक अध्यक्ष को सबको बुला के कि जिस दिन हमारा विधानसभा में अगर हमारी घोषणा होती है वेतन संघर में, तो उस दिन हम होली से पहले होली मनाएंगे, क्योंकि सभी लोग तैयारी में थे, लेकिन उस दिन हमको निराशा हाथ लगा है। फिर भी हमने सरकार ने जो घोषणा की उसका स्वागत करते हैं और जो बाकी है उसकी लड़ाई जारी रहेगा। छोटे लाल साहू, ये छोटे लाल साहू, इन्होंने बताया कि सहायक शिक्षकों को समस्याएं क्या है। खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमको भी पता चले कि और शिक्षकों की समस्याएं क्या है। सिजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।